किसान संघर्ष समिति फतेहगढ़ की क्या मांगे हैं, क्या हुआ आज तक? 6-7 दिन हो गए धरने पे बैठे हो आप सब किसान भाई, अभी तक क्या सुनवाई हुई है? अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगले 7 दिन से ये धरना लगातार, और अभी तक ये आश्वासन मिल रहा है कि 16 तारीख से फाइल आपकी PPM अपने विद्युत भवन जयपुर पहुंची है, ये आश्वासन इतना ही है। और अभी कोई मांग पूरी हुई नहीं है, और हमारी मुख्य मांग है 132 GSS 132 सांगड़, उसमें 50 MU का ट्रांसफार्मर लगाने की मुख्य मांग है। पहले पूर्व में सैंक्शन ट्रांसफार्मर है वो 25 का है, 25 से हमारे को 50 का चाहिए, और पिछली साल में हमने इसी जगह धरना दिया था, उस टाइम हमारे को ये आश्वासन दिया था, ऐसी महोदय आए थे कि आपके ये 50 का ट्रांसफार्मर हम जल्दी लगाएंगे। तो हम किसान होली कुम हैं, हमने तुरंत विश्वास किया कि हमारे जैसलमेर के SC साहब आ गए हैं, इनकी बात को अपने को मानना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। तो हमने उनकी बात को मानते हुए धरना समाप्त कर लिया। उसके बाद में अभी वापिस सीजन आई तो हमारे को ये लगा कि अपने जब नहीं जगे तो अपनी ये मांगे पूरी नहीं होगी, इसलिए हमने ये रूपरेखा तय करके संघर्ष समिति ने तय कर लिया कि अपने यहाँ IN ऑफिस फतेहगढ़ के आगे धरना डाल देंगे, चाहे कितना भी लंबा चलो उसमें हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आश्वासन चाहे नेता दो, चाहे जनप्रतिनिधि दो, चाहे अधिकारी दो, मगर हम हमारा हक लिए के बिना यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक पावर सांगड़ नहीं पहुँचेगा जब तक हम इसी जगह खड़े रहेंगे। और चंगेज खान जी, ये डिस्कॉम ऑफिस फतेहगढ़ के आगे पिछले 6-7 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप इस बारे में क्या कह रहे हो? हमारी ये है कि फतेहगढ़ किसान संघर्ष समिति फतेहगढ़ द्वारा जो ये आंदोलन जारी किया गया है, ये सांगड़ 132 KVS GSS पर जब तक 50 MVA का ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हमारी सरकार से ये मांग है कि किसान एक अन्न पैदा करने वाली कौम है, इस कौम के साथ कुठाराघात न करके, इस कौम को जागृत करके, इस देश को मजबूत करने के लिए किसान ही सर्वोपरि है, किसानों के हक के लिए। और यहाँ जो लास्ट ईयर हम किसानों से क्या बीती है वो सभी किसानों से कम नहीं है, और लास्ट ईयर यहाँ के किसानों को 132 से केवल यहाँ GSSों पे 5 से 6 घंटे लाइट देना उचित थी, जो 3 घंटे 3.5 घंटे रही। इस चीज़ों को देखते हुए किसान संघर्ष समिति फतेहगढ़ ने यह तय किया है कि 50 MVA का ट्रांसफार्मर जब तक सरकार नहीं लगाएगी तब तक हम इस हड़ताल को नहीं हटाएंगे, ये हमारी मुख्य मांग है। इस मांग के मुताबिक हम यहाँ पर डटे हैं, चाहे 1 साल लगे चाहे 6 महीने लगे, हम किसान सरकार के खिलाफ विरोध करते रहे। आपने क्या पहले ज्ञापन दिया है? हमने पूर्व में उपखंड मुख्यालय को श्री मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भेजा गया, फिर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया गया, और यहाँ के चीफ इंजीनियर, यहाँ के MLA को और मंत्री सालेह मोहम्मद को, चाहे जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, सभी को हम अवगत करवा चुके हैं। आज दिन तक हमें ये झूठे आश्वासन मिले हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इसकी TS जारी हो चुकी है, ये TS से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम न तो TS से समझते हैं न AS से समझते हैं, हमें न तो FS की जानकारी है, हमें चाहिए क्या 50 MVA का ट्रांसफर, उससे हम संतुष्ट हैं, जब सांगड़ लगेगा तब हमारी हड़ताल खत्म होगी। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो हम एक हैं।